जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीर्थ त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीर्थ त्योहारों का विशेष महत्व है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किसी को किसी से कोई मतलब ना था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई न करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा था। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला और फलस्वरूप उसकी हालात भिखारी जैसे हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गाजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसने शराब की आदत भी लगा ली। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम आनंदमय हो उठे। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ न पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से
शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आश में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला इस सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गए। शीला को तत्काल इस समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरी मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके सात स्त्रियों को माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुआरी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख संपत्ति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसा ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुआरी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में दें और खीर का प्रसाद दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करें, फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वह बोलें, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो।
जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुआरी लड़की की मनोभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें।